सीबीएसई के दसवीं के परीक्षा परिणामों में दादू क्लासेज ने बाजी मारी है। स्कीम 8 स्थित दादू क्लासेज के संचालकों ने बताया कि 25 में से 14 छात्रों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही दक्ष मामोड़िया ने 96.2, रिया जैन ने 94.4, खगेश यादव ने 94.4, राहुल चौधरी ने 90.2, दुर्गेश सैनी ने 88, विवेक शर्मा ने 87 और तृप्ति शर्मा ने 84% अंक प्राप्त किए। इस दौरान छात्रों का सम्मान भी किया गया। वहीं डीसी का रिजल्ट 100% रहा। गणित में 15 छात्रों ने 90 से ज्यादा अंक प्राप्त किए और खुशबू सैनी ने कॉमर्स में 86% प्राप्त अंक कर संस्था का नाम रोशन किया है। दादू क्लासेस की तरफ से अलवर शहर में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को, गुरुजनों को, अभिभावकों को और सभी अभिभावकगणों को दादू क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहने का एक ही कारण है, हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयासरत रहते हैं, उसे पाने के लिए एकजुट होकर एक टीम बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर लग जाते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सभी शहरवासियों, छात्रों, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जो हम लोगों का रिजल्ट जो आया है उसमें हम लोगों ने कोचिंग संस्था में दूसरे स्थान पर रहे हैं। 96.2 हम लोगों के बच्चों ने, एक दक्ष मामोड़िया ने 96.2 अंक लेकर के आया है, वो 96.2 मार्क्स। इसके बाद रिया जैन 94.4, खगेश यादव 94.4, 91 राहुल चौधरी, 90% से नीचे 88% पर, 87% पे, 84% पे बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के 80% से ज़्यादा जो बच्चों के मार्क्स रहे हैं, 14 बच्चों के 25 में से 14 जो स्टूडेंट थे उनके 80% से ज़्यादा मार्क्स रहे हैं। आगे हम लोग देखें तो इस तरीके के रिज़ल्ट आपको लगातार देते रहेंगे। ये बिल्कुल हम लोग, आप बिल्कुल चेष्टा करते हैं इस तरीके की, इस तरीके से ही हम लोग अपने काम को करते हैं और आगे आप लोगों को इसी तरीके के और इससे ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये हम लोगों का पहला परिणाम था। पहले परिणाम में ही हम लोगों ने देखा कि एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हम लोगों को मिला। आप लोगों के प्यार प्रेम से ही केवल ये संभव है। मैं आगे और जो हम लोगों के छात्र हैं उनको आगे के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और आगे इस तरीके से ही हम लोगों के बच्चे बढ़ें और हम लोगों का इंस्टीट्यूट बढ़े।